नमस्कार साथियों, आप हो रामनिवास मेहरा के साथ, जो आपके लिए हमेशा उपस्थित रहता है शाला दर्पण से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके साथ। तो साथियों, आपके लिए आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जो शाला दर्पण से हमारे जो प्रपत्र 10 भरे जा रहे थे, जिसमें शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताओं को हमें अपडेट करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, इससे संबंधित मैंने कुछ ही समय पहले एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें आपसे निवेदन किया था कि आप शाला दर्पण को हेल्प डेस्क मॉड्यूल पे लिखें, राज रमसा पे लिखें। तो साथियों, उस वीडियो का असर हुआ है और शाला दर्पण अब अपडेट हो चुकी है। जी हाँ साथियों, फिर से सुनिए, शाला दर्पण अब अपडेट हो चुकी है। आप शाला दर्पण पर आपका जो प्रपत्र 10 है उसमें शैक्षिक योग्यता प्रशैक्षिक योग्यता दोनों जोड़ सकते हैं और शाला दर्पण अब आपको अपने आप से लॉग आउट भी नहीं करेगी। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए यही है कि अब आप प्रपत्र 10 आपका अपडेट कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। दूसरी समस्या हमारे सामने ये आ रही थी, कुछ साथियों ने मुझे कमेंट किए थे कि सर, जैसे मैंने RACIT का कोर्स कर रखा है, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम है, वहाँ मुझे टोटल नंबर नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ प्रतिशत दी हुई है। तो साथियों, उसके लिए भी एक समाधान है। आपको ज्ञात होगा कि 70 नंबर का तो हमारा जो पेपर है वो होता था और जो 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल हुआ था, मतलब टोटल मार्क्स हमारे जो है वो 100 हैं और 100 में से आपके जितनी प्रतिशत आ रही है, मान लो 78% है, तो आपका ऑप्टेन मार्क वहाँ 78% हो जाएगा। तो ये इस तरह से साथियों हम आपकी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। तीसरे नंबर की जो समस्या हमारे सामने कुछ साथियों ने रखी थी मुझे कमेंट में, वो ये थी कि सर, फैमिली डिटेल में क्या हम हमारे भाई और बहन का नाम ऐड कर सकते हैं। तो मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब फैमिली डिटेल पर जाएंगे, वहां संबंध पर जब हम क्लिक करते हैं तो उस जगह वहां ऑप्शन खुलते हैं, सबसे ऊपर आता है स्वयं का, फिर पति का, फिर पत्नी का, फिर बच्चे का। तो यदि आपको वहां भाई और बहन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप भाई और बहन का नाम वहां ऐड नहीं कर सकते। और यदि आपको वहां ऑप्शन मिले, रिश्ते में संबंध में आपको ये ऑप्शन मिल जाए कि भाई भाई है बहन है, तो आप जो जो भी वहां रिलेशन जैसे खुलते हैं उनमें आप उनके ही नाम ऐड करें। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ अच्छी लगी होगी और उसके बाद भी यदि आपको फॉर्मेट 10 को अपडेट करने में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है या NICUID जो आपकी पे मैनेजर की होती है, चाहे वो PD की हो या अदर हेड से आपका पेमेंट उठता हो, उससे संबंधित यदि आपको कोई समस्या है, तो मैंने इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहायतार्थ लिंक उपलब्ध करा रखे हैं। आप उन वीडियो की सहायता लें और आप अच्छे से आपका जो प्रपत्र 10 है उसे अपडेट करें। आपकी सारी समस्याओं का समाधान शाला दर्पण की ओर से कर दिया गया है। मिलते हैं साथियों इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।